उमरा शहर में आज स्वीडन में इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान जलाने के विरोध में स्वीडन गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन उमरा शहर के अमृत नगर में मर्जिया शानू पठान के नेतृत्व में किया गया है। आपको बता दें कि स्वीडन और फिनलैंड अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं और यूरोपीय देशों ने औपचारिक रूप से नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन तुर्की ने नाटो सदस्य के रूप में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इनका आवेदन रोक दिया। इसके बाद स्वीडन में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हो गया और स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाया गया, जिसकी वजह से दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है और उमरा शहर में भी आज स्वीडन गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। तो जो स्वीडन में जो ये कुरान जलाने के जो फालुदेन इन्होंने जो किया है, इस पे मैंने रिसर्च की, इन्होंने ऑलरेडी पहले भी दो चार बार ऐसा कर चुके हैं। इन्होंने ऑलरेडी भी दो चार बार ऐसे कर चुकी है और स्वीडन गवर्नमेंट जो माफी मांग रही है कि हम उनके बिहाफ पे माफी मांगते, तो हमको उनकी माफी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि अगर पहले जो इंसान ने ऐसा कर चुका है, आपने अभी तक क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो बार बार ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पर भी तो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर भी 4% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आपको आपने उसकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरी ये मांग है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही नहीं, देश भर से, पूरे वर्ल्ड से ये मांग है मेरी कि आप लोग इंटरनेशनल लॉ बनाओ, जिसमें जो आजकल ये चल रहा है लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके खिलाफ ऐसा ना हो, इसलिए एक इंटरनेशनल लॉ फॉर्म होना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में स्वीडन गवर्नमेंट के तस्वीरों पर कालिख पोती गई और जूते चप्पल भी मारे गए। विरोध जता रहे प्रदर्शनकारियों को उमरा पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।